दोस्तों 20 दिसंबर 2023 को जिन तीन बड़े बदलाव का इंतजार था वो पूरा हो चुका है, क्योंकि लोकसभा में इन तीनों बिलों को मंजूरी दे दी गई है और अब ये पास हो चुके हैं, जो कि हैं भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 के नाम से अब ये जाने जाएंगे। तो जानते हैं इन कानूनों की क्या खास बात है। ये नए कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार वाले सिद्धांत पर आधारित बनाए गए हैं। और इतना ही नहीं, भारत की आज़ादी के बाद पहली बार इन तीन कानूनों में इतने बड़े बदलाव किए गए हैं। और इस कानून में मॉब लिंचिंग जैसे जो अपराध हैं उनके लिए फांसी की सजा डिफाइन की गई है। पहले रेप के लिए IPC की सेक्शन 375 और 376 में FIR लॉज होती थी, लेकिन अब इस तरह के क्राइम को सेक्शन 63 और 69 में डील किया जाएगा। इसमें गैंग रेप और बच्चों के अगेंस्ट होने वाले क्राइम को बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। पहले मर्डर के लिए सेक्शन 302 लगाया जाता था, लेकिन अब उसके लिए सेक्शन 301 लगाया जाएगा। और गैंग रेप करने वाले क्रिमिनल को 20 साल की सजा दी जाएगी या फिर आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। गृह मंत्री ने यह भी बताया कि पहले CRPC में 484 सेक्शन थे, लेकिन अब इस नए कानून में 531 सेक्शन होंगे। इसके अलावा 177 सेक्शन में बदलाव किए गए हैं और 9 अलग से धाराएं जोड़ी गई हैं, 39 सब सेक्शन जोड़े गए हैं और 44 नए प्रोविजन जोड़े गए हैं। स्पेशलिस्ट और स्टेक होल्डर की एडवाइज के बाद इसे पिछले सप्ताह लोकसभा में नए तरीके से पेश किया गया। इन तीनों कानून का मेन उद्देश्य है नागरिकों के संवैधानिक, मानवीय और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना। इसके अलावा इन तीनों बिलों का मेन उद्देश्य सजा देने की बजाय न्याय देना है। आई होप फ्रेंड्स यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कानून से जुड़ी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।